तो जो एक अकलमंद पेरेंट होगा वो क्या करेगा? अकलमंद पेरेंट दो काम करेगा, एक तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस देगा, तो अब उसको समझ आ जाएगी कि जब मैंने गलत काम किया था, मैंने गलत फैसला किया था, तो मुझे भुगतना पड़ा, इसमें मेरी माँ का तो कोई कसूर नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एम्पैथेटिक होना, यानी जब हम नेचुरल कॉन्सिक्वेंस होता है तो हम ये नहीं कहते अब समझ आई, लग गया पता तुम्हें, अब तुम सीधे होगे, ऐसे नहीं सीधे होते तुम, लातों के भूत हो। यानी फिर हम उनको चुन चुन के जुमले नहीं मारेंगे, अपनी तरह से हम उनको एहसास दिलाना चाह रहे होते हैं कि मैं यही तो कह रही थी, नहीं, हम उनके साथ एम्पथाइज करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी रहने देंगे, लेकिन हम उनका दुख जरूर बांटेंगे, कोई ताना नहीं है, उसको छलनी नहीं करना। मसलन अब आपका बच्चा है, आप कहीं उसको लेके गई हुई थी, वो गेम खेल रहा था और आपको साफ नजर आ रहा था कि वो बच्चों के साथ कॉपरेट नहीं कर रहा, टीम में उसके साथ बाकी बच्चों ने खेलने से इनकार कर दिया या वो हार गया, उसको बिठा दिया साइड पे, क्या करेंगे? यूजली हम क्या करते हैं जब ऐसी बात हो, कई दफा खुद ही जाते हैं बच्चों से, कहते हैं बच्चों तुम इसके साथ क्यों नहीं खेल रहे, ये भाई है, खिलाओ ना इसको भी अपने साथ। यानी हम उसके रेस्क्यू पे आ जाते हैं, वो गलत काम कर रहा था, तो क्या करना चाहिए हमें? अब हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात कर रहे हैं, यानी उसको बताएंगे, रियलाइज कराएंगे कि पहले आप ही का बिहेवियर ठीक नहीं था, पहले आप बोलते वो दे ही रहे थे, जैसा बॉल खेल रहे हैं कुछ, तो ये कौन से वर्ड्स हो जाएंगे? फाइटिंग वर्ड्स हो जाएंगे। कैसे एहसास दिलाएंगे बताएं? जाने से पहले अगर आपको पता है कि आपका बच्चा ऐसे काम करता है, आप उसे पहले लिमिट्स दे देंगे। आपको पता है ना कि जब हम खेलते हैं तो हम रूल्स के मुताबिक खेलते हैं, चॉइस भी देनी होती है। अगर आप नहीं खेलना चाहते तो आप पार्क में वॉक भी कर सकते हैं, आप अपने ओन पे भी खेल सकते हैं। अब उसने चॉइस कर ली कि नहीं मैं खेलना चाह रहा हूं, अब उसने वही गलती की, अब जब वो आपके पास आता है तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे क्या चीज डिफरेंट होगी? नेचुरल कॉन्सिक्वेंस था ना कि उसने वहां पे सही तरह नहीं खेला, उसके अंदर टीम वर्क नहीं है अच्छा, तो बाकी बच्चों ने उसको हरा दिया और वो निकल आया। तो हमें बिल्कुल किसी बच्चे से बात नहीं करनी चाहिए, ना उसको कुछ कहना चाहिए, बिल्कुल उसके रेस्क्यू पे ना आए कि मैं उसको दोबारा टीम में शामिल करूं। एक दफा अगर आपने उसको रेस्क्यू ना किया तो फिर क्या होगा कि अगली दफा वो बच्चा खुद केयरफुली खेलेगा। हमारे बच्चे बहुत से काम इसलिए नहीं सही करते हैं क्योंकि हम हर दफा उनके रेस्क्यू पे आते हैं। फर्ज करें बच्चा लेट आया या छुट्टी की, सर्टिफिकेट मिलना है 80% अटेंडेंस पे। अब जब सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं 80% पे और पहले से पता था माओं को, अब आपके बच्चे की है 70%, तो हम क्या करते हैं? दे देना, देखें क्या फर्क पड़ता है, देखें ना इसके कजन को मिल गया है, देखें मेरे बच्चे का दिल टूट जाएगा, क्या करना चाहिए? अगर आपका बच्चा कह रहा है कि मामा मुझे सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो आपके यहाँ बेटा 80% अटेंडेंस पे मिलता है, मे बी नेक्स्ट टाइम अगर हम 80% अटेंडेंस लेंगे तो इंशाल्लाह दे विल गिव यू। मैं देख रही हूँ बाकी बच्चे इतने खुश जा रहे हैं ना जिनको मिल रहा है एम्पथी, आई एम श्योर आपका भी दिल चाह रहा होगा। बस अब आप देखें तो उसी अगले टर्म में उसकी रेस लगेगी कि मुझे 80% लेना है। फर्ज करें कि आप गाड़ी में जा रही थी और आपसे कोई सिग्नल ब्रेक हो गया, कोई रूल टूट गया और पुलिसमैन, ट्रैफिक पुलिसमैन आपके पास आ गया, तो वो आके क्या करता है? आपको रोकता है, साइड पे गाड़ी कराता है, सलाम करता है, बहुत आराम से कहता है मैम अपना लाइसेंस दें। आप लाइसेंस देती हैं, फिर अब वो चलान करता है। जब चलान करता है अब आप उसकी मिन्नत समाधि शुरू करती हैं। आप कहती हैं दरअसल मुझे लाइट नहीं नजर आई, मुझे पता नहीं चला, मैंने कभी नहीं ब्रेक की, प्लीज प्लीज सिर्फ एक दफा, बस इस दफा, बस प्लीज, बस देखें प्लीज एक दफा। अच्छा वैसे तो वो सुनते नहीं है, फर्ज करें आप खुद मुझे बताएं, अगर वो सुन लेंगे और अगली दफा फिर ऐसे ही होगा तो आप क्या करेंगी? यही करेंगी। और वो आपकी बात सुनता है? नहीं। अच्छा वो आपसे लड़ता है? नहीं। वो आपसे मिसबिहेव करता है? नहीं। वो बहुत आराम से आपको बताता है कि आपकी क्या गलती थी और आपको एज अ कॉन्सिक्वेंस चलान काट के पकड़ा देता है, दिस इज योर टिकट, और सलाम करता है और आ जाता है। अगर हमें यही प्रिंसिपल समझ आ जाए कि हम अपने घरों में इख्तियार कर लें, तो हमारे बहुत से मसले हल होना शुरू हो जाए। आप अपने बच्चे को टॉय स्टोर पे लेके गई और आपने उसको कहा था हम जब जा रहे हैं तो तुम्हें खिलौना नहीं मिलेगा, इस दफा हमने किसी और के लिए खरीदने जाना है, और आपके बच्चे ने आपसे वादा किया था, अब उसने वहां पे जाके जिद की और आपने ले दिया, आप तंग पड़ गई, आपको वो हैंडल नहीं करना आया, नेक्स्ट टाइम जब आप जा रही हैं और वो आपकी मिन्नतें कर रहा है
कि मैं आइंदा ऐसे नहीं करूंगा, तो क्या करना चाहिए? या तो नहीं लेके जाना चाहिए। फर्ज करें आप ले गई, आपके पास घर में कोई ऐसा शख्स नहीं था जिसके पास आप छोड़ती और आपको जरूरी जाना पड़ रहा था, आप बच्चे को अनअटेंडेड नहीं छोड़ सकती थी, आप ले गई, अब वहां पे मिनतें करता है, तो क्या करना चाहिए? नहीं देना चाहिए। लेकिन साथ एटीट्यूड क्या होना चाहिए? नॉर्मल, जैसा पुलिस मैन है। प्यार भी अगर आपने ज्यादा दिया तो उस वक्त वो बच्चा समझेगा कि माँ की ममता आउट हो रही है, मैं थोड़ा सा टेंट्रम और थ्रो करूंगा तो ये मेरे काबू आ जाएगी, तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस यहाँ के आप उसे छोड़ के आ जाएंगी। आप देखें दो मिनट में चलता हुआ वो आपके पीछे आ जाता है, लेकिन हमें लगता है कि नहीं वो नहीं आएगा। आप खाना खा रहे थे और आपका बच्चा बिल्कुल खाना सही नहीं खा रहा था, वो अपनी प्लेट में खाना छोड़ रहा था, आप उसे बार बार बता रहे थे बेटा फिनिश योर मील, खाना खत्म करें, मैंने किचन समेटना है। कभी वो खिलौनों से खेल रहा है, वो दो बाइट्स लेता है और वो फिर छोड़ देता है। अब आप क्या करेंगी? प्लेट उठा ली। अब वो आपके पास दो घंटे के बाद आया कि मामा मुझे भूख लग रही है। आपके किचन तो सिमट गया है, आई एम श्योर आपको भूख लग रही होगी, इंशाल्लाह सुबह को नाश्ते पे मुलाकात होगी। हाँ, वो खुद फ्रिज खोल के उसकी प्लेट पड़ी हुई है, उसमें लेफ्ट ओवर फूड है, वो खाना चाहता है खा ले। आप ये नहीं करेंगी कि अब उसको भूखा रखें, आप खाना ही ना दें, आपके मैं सब चीजें समेट के बैठ जाऊं, सब लॉक में कर दूं, ऐसे नहीं। नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ये है कि अब उसको मजे की चीज नहीं मिलेगी, अब अम्मा जाके रोटी नहीं पकाएंगी, अम्मा जाके फ्राइज नहीं बनाएंगी। ज्वाइंट फैमिली में भी कोई मुश्किल नहीं है। आपने उसको कहा कि नहीं, वो कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी बना दे, तो वो बना दे, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। वो तीन दिन के बाद कहेंगी तुम्हारा बच्चा कितना बदतमीज है। वो दूसरा इंसान खुद ब खुद सीखता है, ठीक है, आपका थोड़ा सा लॉस होता है कि बच्चे वो गलत काम कर लेते हैं, लेकिन आप सारी जिंदगी नहीं तो उस बैटल में रहते हैं और वो काम नहीं ठीक होता। तो अगर कोई इंसान आपके घर में ऐसा है, क्योंकि हम सबके घरों में ऐसे है, हर एक ने तो नहीं ये वर्कशॉप अटेंड की, हर एक ने तो नहीं ये सेशन अटेंड किया, हर कोई इससे एग्री भी नहीं करेगा, जो वो नहीं करते ना करें, आपने नहीं करना। अगर आपको कोई कहता भी है कि बेटा इसको भूख लगी है, आप फौरन कहेंगे जी अम्मी इसकी प्लेट पड़ी हुई है खाने की, ये खा सकता है और फल पड़े हैं फल भी ले सकता है, बस कि बेटा इसको रोटी बना दो, अम्मी अब तो मैं बहुत थक गई हूं, इस वक्त तो मैं रोटी नहीं बना के दे सकती। और दूसरा ये होता है कि हमेशा अलग से उनको कॉन्फिडेंस में लेके, जब बच्चे नहीं होते उनसे अच्छे तालुकात बना के, आप हमेशा उनसे पहले बात कर लेते हैं कि अम्मी मैं बहुत दिनों से देख रही हूं, देखिए हम सब बैठते हैं और जब खाने का वक्त होता है ये खाना नहीं खाता, या हस्बैंड से बात कर ली कि देखिए मैं ये नोट कर रही हूं कि जब हम खाने के लिए बैठते हैं खाना नहीं खाता, तो क्या हम कुछ दिनों के लिए ये कर सकते हैं कि जब वो दरमियान में खाना मांगे, मेरा भी दिल चाहता है कि वो खाना खाए, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन इस तरह उसकी आदत नहीं बन रही, आगे जाके इसको कितनी मुश्किल होगी, तो क्या हम ये कर सकते हैं कि जब वो खाना बाद में मांगे हम उसके लिए रोटी ना बनाएं, हम उसके लिए किचन ना खोलें, जो पड़ा हुआ है उसी में से दे दें, तो आप देखेंगे कि वो दूसरे लोग आपके साथ कॉपरेट करेंगे, क्योंकि हम उनको कम्युनिकेट भी सही तरह नहीं करते। अगर हम उनको अभी काम करने देंगे, अभी उनको मुश्किल लगेगी, लेकिन आगे जब वो इंडिपेंडेंटली अपनी जिंदगियां गुजारेंगे शादी के बाद, चाहे वो लड़का या लड़की, उनकी जिंदगियां अच्छी होंगी, बेहतर होंगी, वो जिम्मेदारी से ये काम कर सकेंगे, हम हर वक्त इनके सर पे नहीं होंगे। इसी तरह आप देखें, आप अपने बच्चे को पढ़ने के लिए बुला रहे हैं और आपका बच्चा टिपिकली अपनी गेम लेके बैठा हुआ है और छोड़ ही नहीं रहा, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस यहां क्या होगा? डांटना तो नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ना होगा, वो तो पनिशमेंट हो गई। आप उसको देखें लिमिट देंगे कि बेटा हमने मसलन 4 बजे से 6 बजे तक इसके दरमियान में काम करना है। अब आपने उसको वही आवाज लगाई जो पहले हमने टेक्निक सारी बात की है वो यूज की, नहीं उठ रहा, नहीं काम कर रहा, तो अब आपने छोड़ दिया। अब 6 बजे वो अगर आपके पास आता है और उस टाइम पे आप कोई और काम कर रही हैं, तो आप उसको बहुत पोलाइटली कहेंगे कि बेटा अब तो मैं किसी और काम में बिजी हूं, अब मेरे पास टाइम नहीं है, अब आप खुद काम कर लें। और अगर वो नहीं काम करता और सुबह रोता हुआ आपके पास आता है कि मुझे एक स्लिप लिख दें कि मैं भूल गया, मैं बीमार हो गया, तो वो आप नहीं लिख के देंगी, उसको एक दिन स्कूल में डांट पड़ने दें, अगले दिन वो आपके पास शर्तिया बैठा होगा काम करने के लिए। क्योंकि होता ये कि अगर 6 बजे तक उसने नहीं पढ़ा, फिर हम क्या करते हैं? आपके पास 8 बजे आ गया कि मामा मुझे याद है कल टीचर ने टेस्ट लेना है, तो जी आप नहीं पढ़ाएंगी, आप कहेंगे ठीक है बेटा आपको अभी याद आया तो आप खुद ही याद कर लें, मैं तो अभी इस वक्त ये काम कर रही हूं।
और अगर आप रेस्ट भी कर रही हैं तो आप बताएंगे बेटा इस वक्त मैं बहुत थक गई हूं, मुझे भी रेस्ट की जरूरत है। ओनिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी में यह भी आता है कि अपनी जात को भी उसका हक देना, नहीं तो हम जब खुद हर वक्त कुर्बानी का बकरा बनते हैं तो हम बच्चों को भी ऐसा ही बनाते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब है, हमने उसको दुनिया के लिए तैयार, रियल वर्ल्ड के लिए तैयार करना है। आपके बहुत से बच्चों ने बाहर पढ़ने जाना है, हम उनके सर पे डंडा रख के हर वक्त नमाज पढ़वा रहे थे, हर वक्त कुरान पढ़वा रहे थे, रिमाइंडर्स तो देने पड़ते हैं, लेकिन हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं सिखाई। तो फिर क्या होगा कि जब वो अपने ओन पे होंगे वो सारी चीजें छोड़ देंगे। हम ये चाहते हैं कि ऐसे तरीके से हम उनकी तरबियत करें कि वो खुद ये काम करें। सो ये जो रियल वर्ल्ड है ना, ये मल्टीपल वार्निंग सिस्टम पे बेस्ड नहीं है। आपको नहीं कोई हर दो मिनट बाद आके कहता पांच मिनट रह गए हैं, दस मिनट रह गए हैं, पंद्रह मिनट रह गए हैं, बेटा कर लो, बेटा सुबह कर लो, बेटा शाम को कर लो, बेटा मैं कॉपी ले आती हूँ, बेटा रीडिंग कर लो। ऐसे नहीं होता। रियल वर्ल्ड जो होता है वो बस आपको एक दफा काम बता देता है, उसके बाद आपने उसके मुताबिक काम करना होता है। इसी तरह अगर कोई लाउजी होता है, अगर कोई काम सही नहीं करता, तो उसका बॉस उसकी गेम, उसका कंप्यूटर लेके नहीं रखता, उसको ऑफिस में बंद करके नहीं चला जाता। आपकी सास को, आपके मियां को गुस्सा है आपको, वो नहीं कहते यू आर ग्राउंडेड। ये जो पनिशमेंट होती है ना, सिर्फ एस्केप सिखाती है बच्चों को। उनको कहता है अम्मा मारेंगे तो पढ़ लेंगे। आपने बच्चे को क्या करना है, पनिशमेंट की बजाय ये जो टर्म होती है ना, हर्ट फ्रॉम इनसाइड, अंदर से उसको खुद महसूस हो, उसका एहसास, उसका शऊर बेदार करते हैं कि मुझे ये काम करना है। हमें शुरू से पता है जब हमने कुरान पढ़ा के नमाज पढ़नी चाहिए, हमारे इर्द गिर्द हमारे बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे होते हैं, हमने कई दफा परवाह ही नहीं की। लेकिन जब अंदर का शऊर बेदार हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर खुद से पढ़ते हैं हम। बच्चा जो है वो टीनेज है, यानी 19 साल का है जी, और वो नमाज नहीं पढ़ता, मैं इस बारे में आपसे कैसे लगाऊं, कहीं कुरान क्लास में भेजती नहीं? नहीं, मैं वो अब बड़ा हो गया, मेरे कहने से। छोटा था तो जाता था? नहीं, जब भी नहीं, मेरी गलती है ना, बस अल्लाह से दुआ करें। ये तो बचपन से लगाने वाला पौधा है, और अब अगर आप चाहती हैं तो आप अपना रिलेशनशिप अच्छा करके उसको कुरान पढ़ने पे लगाएं। कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं वो बच्चों को सोचने पे मजबूर करते हैं कि हमने क्या गलती की थी, हमारा बिहेवियर क्या था, वेयर डिड आई गो रॉन्ग। कॉन्सिक्वेंसेज बच्चों को बताते हैं कि ये काम मेरा था, ये मुझे खुद करना चाहिए था। वो बोलेंगे नहीं, लेकिन उनको एहसास होना शुरू हो जाता है। आपका क्या ख्याल है कि क्यों नंबर कम आए हैं? क्योंकि आप देख लें, अगर आपका बच्चा कोई नहीं पढ़ रहा और आपके 100 दफा कहने से भी वो नहीं पढ़ रहा, बल्कि वो आपको देख के अवॉइड करना शुरू कर देता है, उसका आपके साथ रिलेशनशिप खराब हो जाता है और बहुत सारे और काम आप नहीं करवा पाते। सो इससे सेल्फ एग्जामिनेशन और एक जो सोच का अमल है ना, वो बहुत तेज होना शुरू हो जाता है, वो आप उस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से करना शुरू कर देते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज जो होते हैं कॉज एंड इफेक्ट के साथ होते हैं। आपको नजर आ रहा है बादल आए हुए, अब अगर आप छतरी नहीं लेके गए तो क्या है, फिर भीगे। अगली दफा जब बादल आएंगे और उसको जाना होगा, वो खुद छतरी लेके जाएगा। ये प्रॉब्लम है हमारी कि हम हर जगह सुपरमैन बन के आके उनको रेस्क्यू करते हैं। मेरे बच्चे को कोई भी मसला ना हो तो बच्चा खाना नहीं खा रहा, नेचुरल कॉन्सिक्वेंस क्या, भूखा रह ले। माओं को गश आते हैं कि जी वो रात को भूखा सोएगा, ये तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो फिर आप कंप्लेन ना करें। हमारी विजन बड़ी टनल होगी, या हम जो भी बच्चा कर रहा है उसका 15-20 साल बाद इम्पैक्ट नहीं सोचते। देखें, हमारा फोकस हो गया एजुकेशन, कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं रहा। हमारा फोकस हो गया मुकाबलेबाजी, उसका बच्चा कैसा, उसका कैसा। पहले घरों में ज्वाइंट फैमिली सिस्टम बल्कि ज्यादा बड़े होते थे, और उसमें क्या होता था, टॉलरेंस होती थी। हम हो गए इनटॉलरेंट। पहले टीम वर्क के साथ काम किया जाता था। इसी तरह बच्चा नहीं पढ़ता, फेल होने दें। एक दफा फेल होगा उसको खुद समझ आ जाएगी। और ये वो नहीं है जो सीरियली फेल हो रहा है, उसमें आपने देखना होता है कि गैप कितना है। हम क्यों कॉन्सिक्वेंसेस को पसंद नहीं करते एज अ पेरेंट? ये जो कॉन्सिक्वेंस है ना, ये हमें एक देता है पेनफुल सिंकिंग फीलिंग इन पेरेंट स्टमक। हमारा लगता है मेरा दिल दो टुकड़े हो जाएगा। कोई बात नहीं, बच्चे को खाना ना दे तो कहती है मतलब वो रात को भूखा सोए, वो सुबह स्कूल भूखा जाए, क्या हो जाएगा मुझे बताएं आप, कुछ हो जाएगा जी, मतलब ये तो खाएगा ही नहीं। कितने दिन नहीं खाएगा, 4 दिन, 5 दिन, छठे दिन खुद खाएगा। तो हमारा मसला ये, हमारी ममता गलत जगह पे फिट हुई। हम सिर्फ लिप सर्विस देते हैं। मैं जी चाहती हूँ मेरे बच्चे के ईटिंग मैनर्स बड़े अच्छे हो जाएं, लेकिन अगर वो ईटिंग मैनर अच्छा करने के लिए मुझे कुछ काम करना पड़ रहा है तो वो भी नहीं मैं करना चाहती। मैं पॉपुलैरिटी वोट भी बच्चे से लेना चाह रही हूं,
मैं जालिम भी नहीं नजर आना चाह रही, मैं एक पता नहीं आइडियल परफेक्ट वर्ल्ड बना के बैठी हुई हूं। तो ऐसे तो नहीं होता। एक और मिसाल देती हूँ, बच्चा आपका कॉपियां बिखेर के बैठा रहता है, आपने उसको बता दिया है, लिमिट दे दी है, उसको बता दिया है कि बेटा जब आपने होमवर्क कर लेना है तो आपने अपनी सारी टाइम टेबल के मुताबिक अपना बैग पैक करना है, और वो नहीं पैक करता, तो क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। अब वो सुबह आप नाश्ता बना रही हैं और वो आपके सर पे खड़ा है कि मेरी फलां कॉपी नहीं मिल रही, मुझे आज असाइनमेंट जमा करानी थी, क्या करना चाहिए? क्या हम ये करेंगे? और वो हमें बता रहा है कि मामा अगर आज मैंने जमा ना कराई तो इस सब्जेक्ट में मैं फेल हो जाऊंगा। जी ये नहीं करना। देखिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस होते हैं, कभी आपका बच्चा बीमार था, कभी वो बहुत ओवरवर्क था, आपको बताया कि एक बच्चा रूटीन में बहुत अच्छा काम कर रहा था, आज उससे हो गया, तब आप उसे हेल्प करेंगे। लेकिन जो बच्चा रूटीन में डेली हर दूसरे दिन वीकली उसका ये काम है, उसकी आप हेल्प नहीं करेंगे। आपने जहां रखा होगा वही होगा। मैंने तो यही रखा था, यही होना चाहिए, ये है नेचुरल कॉन्सिक्वेंस। पर मुझे डांट पड़ेगी, ये तो होगा मसला। आप नोट लिख दें, सॉरी मैं नोट तो नहीं लिख के दे सकती, आप जब नेक्स्ट टाइम डालेंगे ना बैग में तो इंशाल्लाह टाइमली फिर आपको मिल जाएगा। स्कूल से फोन आ गया कि ये कॉपी नहीं लेके आया, तो आप कहें जी आप उनसे पूछिए कि वो क्यों नहीं लेके आए।